कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आया है, एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश आया है, वो आदेश जिसकी 2 महीने से प्रतीक्षा थी देश को, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, आदेश ही है, अच्छे आदेश है। वो आदेश आपको याद होगा, पहले दिन से जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और वही गाजियाबाद यूपी बॉर्डर के ऊपर लोग आने शुरू हुए, तभी से हमने कहना शुरू किया था कि अब ट्रेन चलाइए, लोगों को भेजिए। हमने तो ये कहा था कि दरअसल लॉकडाउन का ऑर्डर आने से पहले आप 4 दिन दे देते, ट्रेन चला देते, एडिशनल चेन चला देते, लोगों को कहते भाई जिसने जाना है गांव चले जाइए। उस वक्त खतरा नहीं था, उस वक्त पूरे देश में सिर्फ 500 केसेस थे, तब नहीं हुआ। उसके बाद गाजियाबाद में जब लोग पहुंचे, फिर हमने मांग की कि नहीं ट्रेन चले, ट्रेन नहीं चलाई गई, कुछ बसेस चलाई गई और सरकार ने ऑर्डर किया इनको आगे से कभी नहीं चलने देना, इनको रोको, रोकने के ऑर्डर हो गए। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, टीवी से इमेजेस गायब हो गए। तो हम सब ने सोचा कि हो रहा था, माइग्रेंट्स चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, लेकिन टीवी पे खबर नहीं आ रही थी। उसके बाद ये खबरें 1 मई के बाद दोबारा आनी शुरू हुई, सरकार ने कहा हाँ अब हम ट्रेन चलाएंगे। और ट्रेन चलाने के बाद क्या कुछ ड्रामा हुआ आप सबको पता है। पहले कहा गया ट्रेन चलाएंगे लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड ट्रेन चलाएंगे, 2 दिन बाद सरकार का ऑर्डर आया, रिटर्न ऑर्डर आया, हम भूल जाते हैं, ऑर्डर था कि ये श्रमिक ट्रेन एक्चुअली श्रमिकों के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ वो लोग जो बाई चांस बीच में फंस गए थे, सिर्फ उन लोगों के लिए है। और जो लोग नॉर्मली कहीं रहते हैं, यानी कि जो मजदूर दिल्ली में रह के दिल्ली में मजदूरी करता है, उसके लिए नहीं है। जो बाई चांस दिल्ली में गुड़गांव में कहीं 5 दिन के लिए फंस गया था, सिर्फ वो जा सकता है, बाकी को नहीं जाने देना, ये ऑर्डर आया था। उसके बाद लोग और जाने शुरू हुए, कर्नाटका सरकार ने रोकने का ऑर्डर किया था, कर्नाटका सरकार ने कहा नहीं मजदूर चले जाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे, रेल रोको, रेल को कैंसिल कर दिया था। हम सब लोगों ने बहुत उसके बाद प्रोटेस्ट किया, तब जाके रेल चली थी, ये सारा नाटक हुआ था। फिर हुआ कि इसका पैसा कौन देगा, मजदूरों ने अपनी जेब से पैसा दिया, जो अपने घर पैसा भेजते थे उन्होंने अपने घर से मंगवा के पैसा दिया, आज तक वो सिलसिला जारी था। और खेल ये था राज्य सरकार कितना दे, केंद्र सरकार कितना दे, केंद्र सरकार तो 85% दे रही है, हम और दे नहीं सकते, ये सब खेल हुए। उसके बाद जब ट्रेन चली तो उसमें क्या हुआ वो आप देख रहे हैं, पिछले 5-7 दिन से रोज ये किस्से आ रहे हैं देश में। अब तक 9 लोग, कल रात को रेलवे ने ऑफिशियली माना कि हाँ 9 लोगों की डेथ हो चुकी है, ये सब किस्से अभी तक देश के अंदर हुए हैं। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। हम क्या मांग कर रहे थे, हमने कहा था कि सिंपल होना चाहिए, ये जो 7 पॉइंट का फॉर्मूला जो मैं आपको बताता रहता हूं, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं सरकार से कहा था, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जानी ही नहीं चाहिए, सरकार को फैसला करना चाहिए। हमने कहा था कि 10 दिन के भीतर भीतर सब मजदूरों को, जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो नहीं जाना चाहता ना जाए, जो जाना चाहता है उसे 10 दिन के अंदर घर पहुंचाने की जिम्मेवारी सरकार ले, जो इंटरस्टेट ट्रेन और बस हैं उनको चलाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार ले, उसका पैसा केंद्र सरकार दे। और एक बार जब वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए, बड़े बस अड्डे पे पहुंच गए, उसके बाद गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार ले ले, जो लोग सड़क पे हैं उनको ट्रेन स्टेशन तक पहुंचाया जाए, उनको खाना दिया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, ये सब बातें हमने कही थी। और कहा था इसके लिए जरूरत है, प्राइवेट व्हीकल लीजिए, आर्मी का इस्तेमाल कीजिए, कीजिए। क्या कहा गया, ये बातें संभव नहीं है, ये हम कैसे कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर में 6 मुख्य बिंदु। पहला बिंदु कहता है जो मजदूर जाने वाले हैं उनसे ट्रेन का किराया नहीं लिया जाएगा, जो बात हम पिछले कई दिन से कह रहे हैं, किराया मत लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किराया राज्य सरकार देगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पे क्यों जिम्मेवारी डाली, मैं तो समझता नहीं, केंद्र सरकार का काम होना चाहिए, ट्रेन केंद्र सरकार चलाती है और ये सब सरकार के, देश के नागरिक हैं, पर चलिए राज्य सरकार दे, केंद्र सरकार दे, पर कम से कम सरकार दे, मजदूर की जेब से पैसा नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। दूसरा जो बात कही जानी चाहिए थी कि जिस राज्य से शुरू हो
शुरुआत में उनको खाना और पानी देने का काम राज्य सरकार का है, और एक बार ट्रेन पे चढ़ गए तो ट्रेन के अंदर उनको खाना और पानी देना दोनों की जिम्मेवारी रेलवे की है। सामान्य सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहनी पड़े। और रेल इतने दिन से कह रही हम तो करेंगे, और हमारे को खबर क्या मिल रही है, लोग टॉयलेट से पानी पी रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, स्टेशन के ऊपर आके झपट के लूट रहे हैं बॉटल्स को, और उस सब के बावजूद भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं, ये सब खबर आ रही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर आया है कि ये नहीं होगा। तीसरा, जो माइग्रेंट वर्कर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टेशन पहुंच गए, पता लगा दो दिन बाद ट्रेन चलेगी, आपको किसी ने खबर दे दी, आप भागे भागे वहां पहुंचे, ट्रेन मिली नहीं, लोग इंतजार कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का तीसरा आदेश है कि जो माइग्रेंट वर्कर इंतजार कर रहे हैं उनको खाना देने की जिम्मेवारी सरकार की होगी, और उनको पूरी सूचना दी जाएगी कि आपकी ट्रेन कब है, ट्रेन 4 दिन बाद जाएगी, 5 दिन बाद जाएगी, परसों जाएगी, आपका नंबर है नहीं है, इतना कंफ्यूजन है, आप दिल्ली के अंदर घूम के देख लीजिए, बैठे रहते हैं लोग लंबे लंबे, सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं, रात 8 बजे पता लगता है कि हाँ आपको अभी रुकने की टाइम मिलेगा, ट्रेन कब आएगी अभी कह नहीं सकते आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कम से कम उनकी देखभाल करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। चौथा बड़ा आदेश, जो माइग्रेंट वर्कर सड़कों पे अभी चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं, रोज मैं उसकी पिक्चर ट्वीट करता रहता हूं, बताता रहता हूं, जो भी माइग्रेंट वर्कर सड़क पे चल रहे हैं, चलने को मजबूर हैं, उनकी जिम्मेवारी, उनको तुरंत शेल्टर दिया जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा, तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी। एक और बात कोर्ट जोड़ सकता था, पता नहीं क्यों जोड़ा नहीं, कह सकते थे कि उन्हें तत्काल नजदीक के रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाएगा या बस स्टैंड तक ले जाया जाएगा जहां से उनको बस या ट्रेन मिल जाएगी। ये काम भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, छोटी बिंदु है, रह गया होगा, कई बार ऑर्डर के अंदर छोटी चीजें रह जाती हैं, मामला बड़ा है छोटा नहीं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि इम्प्लिसिट है कि आप उनको सड़क पे जब रोक के बैठाएंगे, खाली बैठा के रखेंगे नहीं, उनको स्टेशन तक पहुंचा देंगे। पांचवा ऑर्डर है कि सरकार, केंद्र सरकार इसकी पूरी सूचना देगी, कितने मजदूर जाने का इंतजार कर रहे हैं, कितनों का नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन होगा कैसे होगा। तो उम्मीद करनी चाहिए, इससे हमें पहली बार पता तो लगेगा, अब तक पता भी नहीं है कि कुल मिला के राज्यों में कितने मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि हम पहुंचना चाहते हैं। तो अच्छा आदेश है, इससे सूचना मिलेगी, फायदा होगा। और छवां, जब भी राज्य सरकारों सरकारें कभी भी रिक्वेस्ट करेंगी कि हमें ट्रेन चाहिए, तो रेलवे उनको ट्रेन उपलब्ध करवाएगा। छवां आदेश, जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार तो कह रही है भाई हम तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप एक्चुअली कर नहीं रहे, आप हमारी आंख में धूल झोंक रहे। सरकार को कहने, सुप्रीम कोर्ट को कहने पर मजबूर होना पड़ा। पता है इसमें क्या कुछ हुआ खेल, आप कल अखबार में विस्तार से पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, कहा कि भाई हम स्वयं अपने विवेक से इस केस को सुनेंगे, और कई संगठनों के प्रतिनिधि जो कि माइग्रेंट वर्कर्स की तरफ से हैं, वो लोग वहां गए, कहा कि हमारी बात भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, कोलिन गोंजाल्वेस वहां थे, इंदिरा जयसिंह वहां थी, कपिल सिब्बल वहां थे, और भी कई बड़े वकील वहां मौजूद थे। उन वकीलों ने माइग्रेंट वर्कर्स की बात सरकार के कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट ने सुनी, और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां थे तुषार मेहता जी, जो सॉलिसिटर जनरल है। सॉलिसिटर जनरल का क्या काम होता है, किसी बड़े केस में जाके सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करना। और जब PIL होता है, PIL किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं है, तकनीकी भाषा में कहें तो एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं होता, मैं बनाम किसी और के नहीं होता। और इस तरह की लिटिगेशन में मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई ये दो लोगों के बीच में झगड़ा नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर एक रास्ता बनाना है। तो सरकारी वकील भी उसके अंदर सुझाव देता है, हाँ ऐसे कर सकते हैं, जिस पार्टी ने PIL दिया है वो भी सुझाव देती है, हाँ जी इसको इस तरह से सुलझा सकते हैं, दोनों मिलकर सहयोग दे के करते हैं, यही PIL की स्पिरिट है। लेकिन आज इस देश के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल, जो अटॉर्नी जनरल के बाद होते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सरकार का केवल वकील नहीं होता,
सॉलिसिटर जनरल ने आज क्या किया, कहा कि ये सब काम तो हमने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये एविडेंस कैसे आ रहा है, कहा कि ये तो लोग झूठ बोल रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि झूठ बोला जा रहा है कोर्ट के अंदर, क्या क्या रंग बिरंगे एक्सप्रेशन यूज किए कि साहब ये सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, पता नहीं किसी बातें चलाते हैं, ये तो वल्चर्स हैं, हम जैसे लोगों के बारे में शायद इशारा कर रहे थे कि ये तो गिद्ध लोग हैं, सिर्फ लोगों की लाशें दिखाना इनका काम है, कोई समस्या है नहीं, समझ सरकार सारी चीजें हैंडल कर रही है, अब बताइए बड़ी चीज के अंदर एक आधी छोटी मोटी गलती तो हो जाती है, इस तरह की चीजें कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मजदूर हैं सड़क पे हैं, इनको पानी दे देना चाहिए, इनको आश्रय दे देना चाहिए, कोर्ट ये डिक्टेट कर रहा था ऑर्डर। सॉलिसिटर जनरल ने कहा ना 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 ना, आप अगर ऐसा आदेश देंगे तो आप तो लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा करने पे तो और लोग सड़क पे आ जाएंगे, कृपया ऐसा आदेश न दीजिए। आप सोचिए सरकार का प्रतिनिधि, और ये जवाब अब तुषार मेहता से नहीं मांगा जाना चाहिए क्योंकि तुषार मेहता वहां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे थे, इसलिए ये जवाब अब पीयूष गोयल से मांगा जाना चाहिए, ये जवाब नरेंद्र मोदी जी से मांगा जाना चाहिए कि आप ये बुलवा रहे थे कोर्ट में, आप कोर्ट में कहलवा रहे थे कि जो इंसान सड़क पे चल रहा है, किस किस अवस्था में चल रहा है हमने देखा था, उसको पानी नहीं देना चाहिए, उसको आश्रय नहीं देना चाहिए, दे देंगे तो समस्या हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि भाई चीज ठीक नहीं है, जहां ट्रेन की जरूरत हो वो आए, उसका विरोध कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल ने। और तो और जिस तरह की चीजें कोर्ट में संभव नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते, कपिल सिब्बल वहां थे, नेता के रूप में नहीं वकील के रूप में खड़े थे, वो कह रहे थे कि इनकी स्थिति बहुत खराब है, और देश का सॉलिसिटर जनरल वकील से पूछ रहा है आप बताइए आपने क्या किया है इनके लिए। वो तो कपिल सिब्बल के पास बहुत अच्छा जवाब था, कपिल सिब्बल ने दनाक से बोल दिया 4 करोड़ रुपए दिए, भाई मेरे जैसे आदमी के पास तो ऐसा पैसा नहीं है, मैं जाके कोर्ट में बोल नहीं सकता। ये जो भाषा बिल्कुल सड़क छाप नेता इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान होगा मेरे बारे में साहिब सिंह वर्मा जी के सपुत्री कहना चाहिए प्रवेश जी ने जो कहा था कि योगेंद्र यादव बताएं, ये बुद्धिजीवी बताएं, ये खुद क्या करते हैं, उनको हमने करारा जवाब दे दिया, आपने देखा होगा, हमने उन्हें दिखा दिया कितने हजार लोगों का हम सपोर्ट करते हैं, क्या क्या किया है अर्थशास्त्रियों ने, क्या क्या किया है, उनको बेचारों को बड़ी जरूरत थी तो हमने फुटेज भी लगा दिया जहां मैं अपने हाथ से लोगों को खाना दे रहा हूं। लेकिन मान लीजिए ना दे रहा होता तो सवाल नहीं पूछ सकते। सुप्रीम कोर्ट में देश का सॉलिसिटर जनरल पूछता है कि आपने क्या किया, वकील से पूछता है कि तुमने क्या किया, नहीं तो चुप हो जाओ। और ये जनरल हैं जिन्होंने आज से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि एक व्यक्ति इस वक्त सड़क चल रहा है देश में, कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को उनसे पूछना चाहिए ना, इनसे बाद में पूछो तुम बताओ तुमने हलफनामा कैसे दिया था, झूठ सुप्रीम कोर्ट से, शायद पूछा नहीं कोर्ट ने उनसे कि ऐसे क्यों बोला था। यानी कि सरकार की तमाम तिकड़म के बावजूद सरकार को जो करना चाहिए था वो तो ये, मिलॉर्ड गलती हो गई, आप बताइए हम मिलके करेंगे, आप सुझाव दीजिए, हाँ अच्छे सुझाव है, ठीक है हम इसको कर लेते हैं, हम इसको कर देंगे। सरकार की तमाम तिकड़म के बावजूद, तमाम तरीके से कोर्ट में दबाव डालने के बावजूद, तमाम वकीलों को धमकाने के बावजूद आज ये ऑर्डर आया है, आप समझिए क्या स्थिति है हमारे देश की। और ये ऑर्डर आने का बैकग्राउंड क्या है, जरा कोर्ट की बात भी आपको बता दें। कोर्ट ने कहा परसों, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने कहा कि हमारी नजर में आई है अखबारों में कुछ खबर जिसके आधार पे हम इसका स्वतः संज्ञान लेते हैं, सो मोटो हम इसका काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है साहब, लेकिन क्या पता है कि इसकी रियलिटी ये है कि ये आने से पहले सुप्रीम कोर्ट कई बार इसको नकार चुका था। ये जो सो मोटो होता है वो तब नहीं है किस बारे में पढ़ा यार ये तो बहुत गलत बात है, चलो इसको सो मोटो ले लेते हैं। सो मोटो तब होता है जब वो व्यक्ति जो कि आपके सामने कोर्ट में पिटीशन लाने की स्थिति में नहीं है वो चिट्ठी लिख देता है और जज कहता है कि हाँ भाई इसकी चिट्ठी को पिटीशन बना के हम करते हैं। ये वैसा केस नहीं था, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं
तीन बार केस आ चुका था। पहली बार केस तब आया था जब 27-28 मार्च को सारे लोग, आपने देखी होगी तस्वीरें, गाजियाबाद बॉर्डर पे टीवी स्टूडियो के नजदीक था, इसलिए टीवी वाले भी पहुंच गए, हजारों हजार लोग जा रहे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, सरकार ने कहा मामला बिल्कुल सेट है, पूरी व्यवस्था कर दी गई है, एक भी व्यक्ति सड़क पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछा, ये नहीं। और अगली बार जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पॉलिसी मैटर है, इसके ऊपर दखलंदाजी हमारा काम नहीं। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दखलंदाजी हमारा काम है। उसके बाद एक और पिटीशन आई, 15 मई को कोर्ट के अंदर फिर हियरिंग हुई, आज से सिर्फ 12-15 दिन पहले की बात है। तब कोर्ट ने क्या कहा, जब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वो आए थे, इससे पहले प्रशांत भूषण इस केस को ले जा चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, कोर्ट के जज साहब के शब्द हैं जो अखबारों में रिपोर्ट हुए, मैं तो वहां था नहीं, अखबारों में रिपोर्ट हुए, मैं मान के चलता हूं ठीक हूं। जज साहब ने पिटीशन करने वाले से पूछा, अगर मान लो मैं ऑर्डर दे दूं तो तुम जाके लागू करवाओगे इस ऑर्डर को? ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही थी। ये कहा गया था कि अब बताइए लोग चल रहे हैं सड़क पे, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में कहा है। ये सब बातें हुई थी। फिर उसके बाद इस देश में जितने लोग न्यायपालिका से जुड़े सब ने कहा ये तो शर्म की बात है। जस्टिस एपी शाह जो कि हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने एक लेख लिखा ये कहते हुए कि ये तो इस देश में न्याय व्यवस्था लगता है ठप हो गई है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरी गरिमा को, अपने पूरे अपना जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन के साथ अन्याय किया है। परसों जस्टिस मदन लोकुर जो कि अब रिटायर्ड जज है, उन्होंने कहा एक एक करके पूरा हवाला दिया, उन्होंने पूरा विस्तार से लिखा है एक एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे क्या किया। उन्होंने कहा अगर मुझे कोई कहता कि सुप्रीम कोर्ट को नंबर दो तो मैं तो भाई फेल कर देता इस सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को। यहां तक स्थिति आई, 20 वकीलों ने, सबसे वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस को कि ये तो हद हो गई है जज साहब, अब तो कुछ कीजिए, कैसे हो सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, मैं सब इसलिए नहीं, कोर्ट हाथ खड़ा कर देगा तो कौन रक्षा करेगा। आज हम उस हालात से गुजर रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इतनी दिक्कत के बाद, इतनी परेशानी के बाद, इतनी हिलो हुज्जत के बाद, इतना ड्रैग करने के बाद, दो बार केस को डिसमिस करने के बाद, वो इसको पोस्टपोन करने के बाद फिर कहा चलिए आज सुनाई कर, रेलवे ने पहुंचा दिया है। आप समझिए इतने ही लोग बसों वगैरह से पहुंच गए होंगे और 10-20 लाख अपने पांव पे चल के भी पहुंचे होंगे। तो अभी तक उस 8 करोड़ में से 80 लाख, हो सकता है 1 करोड़ तक लोग वापस पहुंचे, अभी भी बाकी। उस 8 करोड़ में से ऐसा नहीं कि पूरे 8 करोड़ वापस जाएंगे, कुछ को रोजगार भी मिलना शुरू हुआ है और उनको अगर रोकने में सरकार समर्थ होती है तो जरूर कीजिए, उनको मनाइए, उनको दिखाइए कि भाई आपके लिए रोजगार है, उनकी व्यवस्था कर दीजिए, वो नहीं जाएंगे अच्छी बात है। लेकिन उस 8 करोड़ में से कम 2-3-4 करोड़ तो जाना चाहेंगे, 3-4 करोड़ आप पकड़ लीजिए। अभी भी जितने लोग गए हैं उससे 2 गुना लोग कम से कम बाकी हैं जो जाना चाहते हैं। तो ऑर्डर बहुत देर से आया है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण ऑर्डर है, सम्मान करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए जज साहिबान का कि अब तो इस देश की न्याय व्यवस्था कम से कम बोली। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है, आप ये मत सोच लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आ गया अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको मैं याद दिला दूं, जब मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पिटीशन आई थी जो मैंने कहा आई थी, तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, क्या याद है क्या ऑर्डर था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये लोग जो जिन्हें रिलीफ कैंप में भेजा गया है ये बहुत मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होंगे, बहुत मेंटल टॉर्चर हो रहा होगा, इसलिए सरकार हर कैंप के अंदर काउंसिलर को भेजे, उनको साइकोलॉजिकली मदद करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को भेजे, काउंसिलर्स को भेजे ताकि उनकी मदद करें।
एक भी जगह नहीं भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, कहीं पालना नहीं हुई, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी पलट के नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ, शायद क्या नहीं पूछा, पूछना चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा देके झूठ बोला सरकार ने 31 मार्च को, एक भी व्यक्ति सड़क पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा देके झूठ बोलना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हलफनामा एमएचए की तरफ से दायर किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, कोर्ट चाहता तो एमएचए के सेक्रेटरी को जेल भेज सकता था इस अपराध में, नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप ये मत मान लीजिए कि कोर्ट ने आदेश दे दिया और कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। अब मीडिया की जिम्मेवारी है, अब आपकी और मेरी जिम्मेवारी है, कल सुबह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जहां जहां अवमानना होती है उसको हाईलाइट कीजिए, देश के सामने लेके आइए, दिखाइए कि क्या सच्चाई है। अगर पालना हो जाती है तो ताली बजा दीजिए, नहीं होती है तो उसको सामने लेके आइए, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी से हम गुजर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 2 महीने से हमने दुनिया भर में कोरोना वायरस की तस्वीर देखी है, दुनिया भर में ट्रेजेडीज हुई है, दुनिया भर में मौत हुई है, लेकिन आप मुझको बताइए, आपने कहीं दुनिया के किसी देश से फोटो देखा है कि लोग सर के ऊपर सामान उठा के पैदल चल रहे? अमेरिका इंग्लैंड की बात नहीं करता मैं, आपने अफ्रीका से तस्वीर देखा है, नेपाल से तस्वीर देखा है, सब सहारन अफ्रीका देश, दुनिया के हमसे ज्यादा गरीब देश जो है वहां भी ये नहीं हो रहा। इस तरह की भयंकर ट्रेजेडी सिर्फ इंडिया में होती है, और उसके लिए हमें लोगों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। आज एक बात हमें कहनी चाहिए, इस देश के रेल मंत्री को अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। वो रेल मंत्री जो ट्रेन चालू नहीं करवा सका, ट्रेन चालू हुई उसके 2 दिन बाद जहां जिसने ऑर्डर निकलवाए कि नहीं ये श्रमिक ट्रेन श्रमिकों के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ जो टूरिस्ट और दूसरे लोग फंस गए हैं उनके लिए है। वो रेल मंत्री जिसने लोग श्रमिकों से पैसे की वसूली करवाई, वो रेल मंत्री जो इसका इंतजाम ना कर सका कि हर जगह टाउट और दलाल वो 600-800 की टिकट 2,000-2,500 में बेच रहे हैं, वो रेल मंत्री जो कि ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह चल सके, ठीक जगह से पहुंच जाए, समय से 2-4 घंटा लेट सही पहुंच जाए, उसका इंतजाम ना कर सका, 2 दिन के सफर की गाड़ी 9 दिन में पहुंच रही है, गाड़ी जानी थी बिहार पहुंच रही है बेंगलोर, वो रेल मंत्री जिसके रहते हुए 9 लोग ट्रेन में मर जाते हैं पानी की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से, उस रेल मंत्री को इस देश का रेल मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं, इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा मांगना चाहिए, डिसमिस कीजिए या इस्तीफा लीजिए। वैसे मैं कहता हूं ना, आज इस्तीफा मत दें, पहले जो सारा रायता फैलाया उसको समेटिए और उसके बाद इस्तीफा दीजिए, सहमत हैं आप? तो एक बड़ा आदेश आया है, इस आदेश का स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस देश का न्याय का सर्वोच्च मंदिर है, मंदिर के पुजारी से 1,00,000 शिकायत हो, मंदिर से शिकायत नहीं हो सकती है, वहां जाएंगे, उम्मीद है कि ये जजमेंट से रिलीफ मिलेगा। अब एक ही उम्मीद है कि ये जजमेंट लागू हो।